अरे 1.5 फुट ये बोलिए। ये चरण का फोन नंबर तो देना जरा। वाई सर, उसे फोन लगाकर बताना है कि बेबी का सर कुचल डाले। वाह ऐसा सर, अभी अभी तो आप उसे फ्लावर कह रहे थे। फ्लावर तो वो है, लेकिन उसमें चुभने वाले कांटे बहुत हैं। और सबसे बड़ा चुभने वाला कांटा तो उस नक्चड़ी का बाप है। कहाँ है उसका खड़ूस बाप? ये सर लड़की का बाप। हाजिर हो, हाजिर हो नीचे। इसी दिन के लिए बेटी पैदा की थी तूने? ये थप्पड़ आपको नहीं, उसे मार रहा है। उसे लाड प्यार देकर सर पे तूने चढ़ाया है, नकचड़ी बना दिया। तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। बाप बेटी ने मिलकर मेरी पगार से ज्यादा टेंशन देते हो। मेरा ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि तुम्हारी बेटी आउट ऑफ कंट्रोल है। सुनो, अगर तुम बाप बेटी ने गलती से भी मुझे फोन किया तो लात खाओगे। कैसे जीने नहीं देते? देखा तुमने, कहानी का नया एंगल। हर पुरानी कहानी के पीछे एक नई कहानी होती है, लेकिन इसी कहानी तो पूरी लमलेट हो गई है। जिस फूलों से प्यारी बच्ची का ये सेक्रेटरी है, वो तो हकीकत में फूलन देवी की नानी निकली। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में कुछ गोल गोल घूम रहा है। क्या घूम रहा है? पता नहीं, पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो चूहे होंगे। अब इन चूहों को शांत करने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा ना। ये मछली कितने की है? क्या बोली? मैं तुमसे ये खरीदना चाहती हूँ। मुझे बेचनी नहीं है। ओके, ये लो $100। नहीं, $200। नहीं, $500। सॉरी, $1000। अब सोच लो, ये बहुत है। हाँ, अच्छा चलो, $1000 प्लस मेरी ये चेन। ओके, पता है तेरी बाप की दौलत से तुझे कुछ चीजें कभी नहीं मिलेंगी। ये मछली भी उन्हीं में से एक है। सर प्लीज मुझे बताइए कि इस मछली के लिए मैं आपको क्या दूं? जो मांगूंगा वो देगी। देख सोच ले, जो भी मांगूंगा देना पड़ेगा। हाँ बोल के मुकर नहीं सकती, बाद में रोना नहीं कि पेन हो रहा है, मुझसे सहा नहीं जा रहा। तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर पाएगी। तू एक काम कर, मेरे कपड़े धो दे, ये मछली खा ले और काम पे लग जा। ओके, चल ये लिखा। अरे संभल के, इसमें कांटे होते हैं, कांटे। पेपर सॉल तो इसमें है ही नहीं। नो प्रॉब्लम। एक मिनट। बेबी, बेबी मिली क्या? बेबी मिली क्या? मिली बेबी? ज्यादा बकबकी तो चप्पल से मारूंगा। उसके बाप को फोन कर और सारी सच्चाई बता दे। बात क्या है डरने की, फोन करो और कह दो मिसिंग 2 दिन से। जल्दी कर। बेबी का बाबा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हेलो, गला क्यों फाड़ रहा है? सर, सजना बेबी नहीं मिल रही। क्या कहा? बेबी नहीं मिल रही सर, वो एकदम अचानक से गायब हो गई। ए आइटम, तेरा नाम क्या है? संजना। क्या? संजना, संजू। ओ ए, तुम अभी मेरे इतने करीब नहीं आए हो, हम दोस्त नहीं है, मुझे संजू मत बुलाओ। ओके, संजी, संजय, मेरा जो मन करे मैं बुलाऊंगा। वित्ती तो एक ही मछली खाई और इतनी गर्मी। ए आइटम, बराबर से दो, घस घस के। क्या हुआ, सबका लटका हुआ है मुंह? अरे अपना मुंह बंद कर, लटक लटक के हम लोग यहाँ तक तो पहुँच गए, और टेंशन मत बढ़ा। मैं टेंशन उतारू? हाँ। दो क्या, थाई मसाज, बॉडी मसाज, सैंडविच मसाज।
तेरा मसाज रख तेरे पास, मेरा जो बॉस है ना वो आकर हमारे कपड़े उतार कर घिस घिस कर हमें मसाज देगा। बॉस भी शौकीन लगते हैं, मजा आएगा। मुझे झापड़ मत मारिए, उसे ढूंढ नहीं तो चप्पल भी खाएगा। चल सर, चरण सर, आपके कपड़े सर। इतना सिखाया लेकिन तू सीखेगी नहीं ना, बात करने की तमीज नहीं है तुझे। थोड़ा इज्जत से, थोड़ा डर के बात कर। चरण सर बोल, र को थोड़ा ऊपर खींच। चलिए रख नीचे, ये ले टिप रख ले। टिप दोगे मुझे? तेरी तो तुझे नहीं, सॉरी सर, सॉरी सर, टिप दे दीजिए सर। ये ले। थैंक यू, मैं कपड़े अंदर रख देती हूँ। जल्दी रख। देखिए सर, मेरी बेटी कुछ दिनों से गायब है, उसे किसी लड़के ने किडनैप कर लिया है। उसका नाम है, क्या नाम बताया था उस लड़के का? सर उसका नाम कुछ ऐसा था। पासपोर्ट नंबर तो होगा उसका? वो भी नहीं है। तुम भी बेवकूफ निकले, इसकी वजह से वो मेरी बेटी को उठा ले गया। वो अच्छा इंसान है, नो शक खामखा असली हीरो है, असली हीरो सर। उस हीरो की फोटो तो होगी ना? घर वाले ऑफिस में जरूर होगा। ढूंढ के ला। ए, इधर सर। वो बैंकॉक में जहाँ कहीं भी रहता था वहाँ जाकर चेक करो, उसका पासपोर्ट ढूंढो, पता करो कि वो यहाँ कब आया और क्यों आया था, उसने टिकट कहाँ से बुक कराया था, उस ट्रेवल एजेंसी का पता लगाओ। मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो वेंकटेश ट्रेवल एजेंसी के जरिए आया था। वेंकटेश, मैं कभी भी किसी के लिए इस तरह से मसाज नहीं करती हूँ। सिर्फ मसाज कर, बकवास मत कर, जरा ठीक से करना। सर जी, मुंडे के रूम में पासपोर्ट मिला है। अब मैं उस कमीने की सारी डिटेल पता कर लूंगा, उसके बारे में सब कुछ पता करो। चलो जल्दी जाओ। थाईलैंड के सारे न्यूज चैनल्स पर मेरी बेटी और उस लड़के दोनों की फोटो 24 घंटे के अंदर आनी चाहिए। जाओ। क्या हुआ? मैं ठीक से नहीं कर रही हूँ, क्या हुआ तुम्हें? चल अंदर आना। चरण रुक जाओ। डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। जानती है क्यों? क्योंकि तू मुझे अच्छी लगती है, बहुत प्यार करता हूं मैं तुझसे। जब तुझे पहली बार देखा था ना, उसी दिन मुझे तुझसे प्यार हो गया था। लेकिन तुझे तो याद नहीं होगा, पहली बार तेरी गाड़ी का कांच तोड़ा था। और उस दिन के बाद मैं रोज तेरा पीछा करता रहा ताकि तेरी एक झलक देख सकूं। मैं तेरे पास तो नहीं आ सकता था, इसलिए दूर से ही तुझे देखकर खुश हो जाता था। एक बार तो मैं तेरे घर तक पहुंच गया था। तूने मुझे छुआ भी था। ये रोहित नहीं है? नहीं तो। तेरे बैंकॉक आने से मैं बहुत खुश हुआ था, लेकिन तेरा घमंड देख के मुझे उतना ही दुख हुआ। नफरत होने लगी मुझे तुझसे, तेरे बर्ताव से। तू इंसान को इंसान नहीं समझती ना, तेरा ये स्वभाव बदल, दूसरों की कदर करना सीख। और हां, अगर बुरा लगा हो तो सॉरी। We'll be right back.
का सूप पीने का टाइम हो गया। पता नहीं क्या कर रही होगी बेबी। उसकी बहुत चिंता है तुम्हें। हाँ सर। सर सर सर। अब जल्दी से सच्चाई बता दे। मेरी बेटी को किडनैप कराने में तेरा ही हाथ है ना? तूने पैसे के लिए ये सब किया ना? मैं गलत हूँ सर, सही नहीं हूँ, मेरा मतलब उल्टा है। गलत सही से मेरा कोई वास्ता नहीं, मुझे तो मेरी बेटी वापस चाहिए बस। मेरी बस, अगर मेरी बेटी मुझे वापस मिल गई तो मैं तुझे मुंहमांगा इनाम दूंगा। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी प्लान बनाया चरण ने मैं बिल्कुल नहीं दोनों। उसने ऐसा क्यों किया? पैसा पैसा, नीयत खराब, सबसे बड़ा रुपया और क्या। वो तो हीरो था ना? हाँ, लेकिन कड़का हीरो। संजना, मेरे साथ आ। हैप्पी बर्थडे, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। तुम कैसे जानते हो? बस जानता हूं, और भी बहुत कुछ जानता हूं। 5 जनवरी को तुम्हारी माँ गुजरी थी, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे डैडी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और इस वक्त वो तुम्हें बहुत मिस कर रहे होंगे। लड़के के बारे में तुम क्या कह रहे थे? हीरो है। हाँ सर। वो कौन है जानते हो? नहीं। 12 साल की जेल काट कर आया है वो। स्कूल जाने की जगह वो जेल गया। अपराधियों को इकट्ठा करके बैंकॉक में गैंग बना रहा है। तेरी तो तुम सब उसके साथ हो। कौन सी जेल से आए हो तुम? दिल्ली से, मुंबई से? बता मुझे, वरना मैं जान से मार दूंगा। गोली मत चलाइए। संता, फौरन एक हेलीकॉप्टर बुक कराओ, थाईलैंड का चप्पा चप्पा छान मारो। ओके सर।